नमस्कार, आज हम जानेंगे एथिलॉन सूचर के बारे में जो डॉक्टर्स या सर्जन सर्जरी के दौरान काम में लेते हैं। एथिलॉन सूचर इज़ ए नॉन एब्जर्वेबल, ये एब्जॉर्व नहीं होता है। स्टराइल सर्जिकल मोनोफिलामेंट सूचर, ये कैसा सूचर है? मोनोफिलामेंट सूचर है, कंपोज्ड ऑफ द लॉन्ग चैन एलिफैटिक पॉलीमर्स नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 6। तो ये क्या है, एक लॉन्ग चैन एलिफैटिक पॉलीमर होता है नायलॉन 6, उससे ये बनता है। तो ये नॉन ऑब्जर्वेबल है और मोनोफिलामेंट सूचर है। यहाँ पर 40 एथिलॉन का ये चित्र दिखाया गया है। एथिलॉन सूचर इज़ डाइड ब्लैक और ग्रीन टू एनहेंस विजिबिलिटी इन टिश्यू। इसको डाई किया जाता है ब्लैक कलर में या फिर ग्रीन कलर में, जिससे कि टिश्यूज़ में ये आसानी से दिखाई दे। इट इज़ ए मोनोफिलामेंट सूचर दैट इज़ यूज फ्रिक्वेंटली फॉर सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लाइगेशन। तो ये मोनोफिलामेंट सूचर है जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ के अप्रोक्सीमेशन के लिए और लाइगेशन के लिए फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। वन ऑफ इट्स मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ इज़ फॉर परक्यूटेनियस क्लोजर। एथिलॉन हैज़ गुड नॉट सिक्योरिटी एंड लो टिश्यू रिएक्टिविटी। इसका मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज़ होता है कि ये परक्यूटेनियस क्लोजर के लिए काम में लिया जाता है। और एथिलॉन की जो नॉट सिक्योरिटी है, इससे जो नॉट लगाते हैं, गांठ लगाते हैं, वो अच्छी होती है और इससे जो टिश्यू रिएक्शंस हैं वो भी बहुत ही कम होती हैं, लो टिश्यू रिएक्टिविटी होती है। एथिकॉन एथिलॉन नायलॉन सूचर आर इंडिकेटेड टू बी यूज्ड इन ऑफ्थैल्मिक सर्जरी एंड सॉफ्ट टिश्यू लाइगेशन सर्जरी इंक्लूडिंग कार्डियोवेस्कुलर सर्जरीज एंड न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज। इसका यूज़ होता है ऑफ्थैल्मिक आई से रिलेटेड सर्जरीज में, सॉफ्ट टिश्यू लाइगेशन में, कार्डियोवेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल सर्जरीज में भी इसका यूज़ किया जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।